हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद साहबा सलाम एंड यू वाचिंग रमदान ट्यूटोरियल योर डोर टू द फ्यूचर। वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 के लिए सजेशंस। आई होप कि आप लोग रेडी होंगे अपने सजेशंस के लिए। आप लोगों ने ऑलरेडी हमारा प्रीवियस वीडियो देख लिया होगा। प्रीवियस वीडियो के बाद हमें बहुत सारे कमेंट आए, बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि काइंडली सर बाकी सजेशंस भी स्टार्ट कीजिए। बच्चों के रिक्वेस्ट पे हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सजेशन। माध्यमिक के क्वेश्चन नंबर 6 के सजेशन को हम लोगों ने ऑलरेडी पब्लिश किया है। आप लोगों ने नहीं देखा ऊपर के आई बटन पर आपको मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोगों को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में जिन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है, वो वन बाय वन क्वेश्चंस हम आपको स्क्रीन पे जिस तरह से हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन दिया था उसी तरह से करते हुए चलेंगे और फिर 7 नंबर कंप्लीट करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टाइम बात जो आपको मैं बताता चलूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में भी कहा था कि प्लीज़ काइंडली अपने सजेशंस को सॉल्व करते वक्त टाइम पर बड़ा ख्याल रखें। आप लोग जरूर मुझे टाइम कमेंट करके बताएं कि कितना टाइम आपको किस क्वेश्चन में लग रहा है। अगर उस क्वेश्चन के लिए वो टाइम इनफ रहा तो ठीक है, और वरना मैं उसे रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं और किन उपायों को करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा। आज हम उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 में जो क्वेश्चंस का सजेशन आपको देंगे, माध्यमिक में सारे क्वेश्चंस आपको उनमें से कोई ना कोई कॉमन जरूर मिले। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वाड्रेटिक सर्च आने वाला है, 2 क्वेश्चन करना है, 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर 3 मार्क्स मिलेगा, तो उसके लिए आप लोगों को रेडी होना है। आप लोगों की प्रिपरेशन क्वाड्रेटिक सर्च पे अच्छे से होनी चाहिए पहले, उसके बाद आप सजेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस का कलेक्शन जो हम लोगों ने आज तैयार किया है, हम लोगों ने दोबारा टेस्ट पेपर को देखा है और टेस्ट पेपर के साथ हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस बुक से भी लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी आपको इस चैप्टर में मिलेगा, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उनको एग्जांपल से अपने आपके बुक के एग्जांपल से चूज कर लिया, तो आप लोग वहां से एग्जांपल्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। लेकिन उससे पहले अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के लिए आप जा सकते हैं नीचे सब्सक्रिप्शन के बटन पर। इस सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करने के बाद उसके पास के बेल के बटन को प्रेस करें और वहाँ पर ऑल का सिंबल आएगा, ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ये है वो सारे क्वेश्चंस जो आपके लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको टोटल 17 क्वेश्चंस दूंगा आज। 17 क्वेश्चन में से ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। x इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्म में है, न्यूमरेटर में है रूट 7 प्लस रूट 3, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है रूट 7 माइनस रूट 3। एंड xy यानी x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 है, तो आपको प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12/11। प्रूव करने की जगह मैं इस क्वेश्चन को आपको ऐसे भी दे सकता है कि वो जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है जो कि 12/11 है, वो आपको बोलेगा कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए भी बोल सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए एंड बी आर गिवन, आप देख सकते हैं कि वैल्यू है रूट ओवर 5+1 डिवाइड बाई रूट ओवर 5-1, बी की वैल्यू है रूट ओवर 5-1 डिवाइड बाई रूट ओवर 5+1, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 4 क्वेश्चन आपके पास दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन है ए माइनस बी होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए प्लस बी होल क्यूब। थर्ड क्वेश्चन है 3 ए स्क्वायर प्लस 5 AB प्लस 3 BB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 ए स्क्वायर माइनस 5 AB प्लस 3 BB स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये वो 4 क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये 4 के 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन सभी को मैंने एक ही सेक्शन में रखा है। एग्ज़ाम में हो सकता है कि आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाए तो आपको ये सिर्फ 3 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ दिया या 4 नंबर, आपको 4 क्वेश्चन एक साथ नहीं पूछेंगे, कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि एक्स इज इक्वल्स टू 2+√3 और वाई इज इक्वल्स टू 2-√3 हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसमें भी 4 क्वेश्चन हमारे पास ए नंबर में है और बी नंबर में सिंगल वन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में जैसा आप लोगों ने देखा था कि ए और बी की वैल्यू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्मेट में थी, इसमें ऐसा नहीं है। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि हमने अगर किसी क्वेश्चन को दिया है तो आपको लगेगा कि ये सिमिलर क्वेश्चन टू प्रीवियस वन है तो हम लोग इसको छोड़ दें, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 17 क्वेश्चन का जो कलेक्शन किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उन सारे क्वेश्चन को बनाइए। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि प्लीज़ उन क्वेश्चंस को बनाने के बाद जो टाइम आपको लगता है उसको ज़रूर ध्यान दें। अगर आपका टाइम कंजम्पशन हाई हो रहा है तो मुझसे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे इतना देर टाइम लगा, क्या ये सही है या नहीं। आप कमेंट करके बता सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं, हम आपको बता देंगे कि वो सही है या नहीं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको 15 मिनट्स लग रहा है, 30 मिनट्स लग रहा है, तो नो डाउट वो सही नहीं है, ठीक है। 15-30 मिनट्स अलाउड ही नहीं है आपको, वहाँ पर जो मैक्सिमम टाइम अलाउड होंगे वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, तो वहाँ पर हम क्वेश्चन में बोलेंगे। 15 मिनट्स के लिए अगर आप लोग कोई एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, थ्योरम कर रहे हैं, या फिर मैं आपको कह सकता हूँ कि अगर आप एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 से बिलोंग करता है, यानी जिसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनमें मैं आपको 15 मिनट्स तक अलाउ कर सकता हूँ। वो 20 मिनट्स तक भी अलाउ करने वाले क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन का जब सजेशन दूंगा तो आपको बताऊँगा, लेकिन इन क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा टाइम कंज्यूम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, मैं आपको उसके हिसाब से जरूर हेल्प करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगा।
ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बुक में दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूट 7+1 और रूट 5+√3, इनमें से कौन बड़ा है, विच वन इज अ ग्रेटर नंबर, क्लियर, इसे आइडेंटिफाई करना। ये एग्जाम्पल में भी एक क्वेश्चन दी गई है, जो लास्ट एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा। पिछले किसी भी साल में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं दिखे हैं, तो हो सकता है इस साल माध्यमिक में ये क्वेश्चन दिया जाए, इसलिए प्लीज़ इसको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू दी हुई है 2+√15/√5+√3, बोला है x+√3/x-√3+x+√5/x-√5 का वैल्यू क्या होगा। रिमेंबर ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट पेपर से कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट पेपर से मैंने ये क्वेश्चन कलेक्ट करके निकाला हुआ है ताकि मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन दूँ। मैंने मेहनत की है, अब आपकी बारी है, आप मेहनत कीजिए, क्वेश्चंस को बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और फिर बताइए कितने टाइम में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू दी हुई है √2 होने पर x+√(x²-1)/x-√(x²+1)+√(x²-1)/x+√(x²-1)। इसका मान ज्ञात करें। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, देखिए टेस्ट पेपर जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मेनली आती है वो बंगाली में आती है, ठीक है, जो आप ABTA और अगर WBTA की बात करें, निर्मल पब्लिकेशन हाउस जिनके साथ हमारा रमदान ट्यूटोरियल का टाइप है, जहाँ पर उनके पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, रमदान ट्यूटोरियल के पेपर्स, तो निर्मल पब्लिकेशन के अगर टेस्ट पेपर को लूँगे तो वो हिंदी में अवेलेबल है। रेयर मार्टिन है जो कि आपको इंग्लिश में देते हैं। देखिए मैं किसी भी पब्लिकेशन हाउस को प्रमोट करने के लिए यहाँ बिल्कुल नहीं हूँ, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने जिनका भी नाम लिया वो मैं रेफ़र कर रहा हूँ ताकि एक बच्चे को एक अच्छा बुक मिल सके जो वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बुक का नाम आपको बता रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं करना चाहता हूँ मैं, और किसी के प्रमोशन के लिए मैंने पैसे नहीं ले रखे हुए हैं कि मैं आपको प्रमोट करके उनके नाम को प्रमोट करूँ, ठीक है। तो फिर भी बता देता हूँ क्योंकि बच्चों के लिए जो बुक ज़रूरी है, जो उन्हें पढ़ना चाहिए, वो बताना एज अ टीचर मेरी ड्यूटी है, वही मैं ड्यूटी अपनी पूरी करूँगा। ये जो क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया, ये मैंने एक टेस्ट पेपर से कलेक्ट किया जो कि बंगाली में अवेलेबल थी। तो अब चूंकि बंगाली के टेस्ट पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया, इसलिए बंगाली में है, और जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट जो बंगाली मीडियम से हैं, आई होप कि उनको भी इस क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, x=√3/2, क्वेश्चन बोल रहा है होले √(a+1+x)-√(1+x)/√(1+x)+√(1-x) एयर मान निर्णय करो। तो ये एक क्वेश्चन है, बोला गया है इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो इसको इसका वैल्यू आपको निकालना है। आपको एक्स की वैल्यू बोल दी गई है कि यह है √3/2। आई होप ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं, और हम बंगाल से हैं तो इतनी बंगाली हम सबको आती ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर टेस्ट पेपर से एक क्वेश्चन है, यदि यानी यदि एक्स का मान बोल दिया गया है कि 2+√15/√5+√3, तो ये मान निकाले। ये हमारा ये टेस्ट पेपर से जो हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन बोला था वो रिपीट हो गया यहाँ पर, ठीक है, वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे बुक से लिया हुआ है, m+1/m की वैल्यू √3 है, तो इन दोनों का वैल्यू निकालिए, m²+1/m² का और m³+1/m³ का, ये दो क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से बनाइएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम 3 मिनट 4 मिनट के अंदर कंप्लीट होने वाले हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है इन क्वेश्चंस में, 3 मिनट तो बहुत एनफ है इसके लिए। अगर लगता है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको मेथड को चेक करके बताएंगे वो कितने ज़रूरी है। अब आते हैं इस चैप्टर के दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीवियस ईयर के रिपीटेशन के बेसिस पे डिपेंड करते हुए मैं इस साल इस तरह के क्वेश्चंस को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से बन जाते हैं, काफ़ी कम मेहनत में बनते हैं। सिर्फ बिना प्रैक्टिस की वजह से एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ गए तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसीलिए प्लीज़ ऐसा ना करें, ज़रूर प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, ये भी सिमिलर पिछले टाइप वाले क्वेश्चंस में डिपेंड करता है, x, y, z की वैल्यू दे दी गई है और 3+√(x)/√(y)+√(z)-4√(y)/√(z)+√(x)+√(z)/√(x)+√(y) इसका मान निर्णय करें। अब इसको बनाने के अलग अलग तरीके हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो x, y, z की वैल्यूज पुट कर देते हैं उसके बाद कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, कुछ बच्चे पहले इसको इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं। मेरा सजेशन होगा आप लोग पहले वैल्यू पुट कर लें हर एक एक्सप्रेशन पर, यानी कि 3√(x)/√(y)+√(z), इसी तरह से 4 वाले फॉर्म सेकेंड और थर्ड पार्ट में, उसके बाद कैलकुलेशन करें जिस तरह से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा था। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस को 3 पार्ट में बनाते हैं, इसे फर्स्ट पार्ट बोलते हैं, इसके बाद इसको सेकेंड पार्ट बोलते हैं, उसके बाद इसे थर्ड पार्ट बोल के हम लोग सॉल्व करते हैं, इस तरह से ही सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, ये मेरे क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है, टोटल 17 क्वेश्चन हमें करने हैं। 12 नंबर क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक्स की वैल्यू दे दी गई है यहाँ पर x-1/x, x+1/x² + 1/x² + 1/x³ का मान निर्णय करें। जैसा कि मैंने बताया इसमें न्यूमेरेटर बाय डिनोमिनेटर फॉर्मेट में नहीं दिया गया, बट इट डजंट मीन कि आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ दें। मैंने पहले भी बताया है जो क्वेश्चन मैंने सजेस्ट किए हैं उसमें और कोई सजेशन ना किया जाए,
जो मैंने दिया है उन क्वेश्चंस को पूरी तरीके से सॉल्व करें। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ये, एक्स की वैल्यू 14 बोल रहा है कि इसको बोल रहा है सरल करें, एक्स का मान 14 होने पर एक्स का नहीं सॉरी इसका मान 14 होने पर एक्स का मान क्या क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चे जो गलती करते हैं, एक्स की वैल्यू 14 पुट करके क्वेश्चन का कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, गलत होगा। बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें, तो आपको पहले इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं, एक आप सीधे डिनोमिनेटर का एलसीएम करके स्टार्ट करें, सेकंड आप दोनों पार्ट को इसके फर्स्ट पार्ट इसे सेकंड पार्ट बोल के सॉल्व कर लें एंड देन स्टार्ट करें। ठीक है, दोनों ही मेथड सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है। इसके बाद जो टोटल रिजल्ट निकल के आएगा वो एक एक्स पर डिपेंडेंट रिजल्ट आएगा, उसको इज इक्वल्स टू 14 करके एक्स का वैल्यू निकालें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें एक्स की वैल्यू 14 बैठा के कैलकुलेशन कर देते हैं, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती ना करें। अब इस क्वेश्चन में क्या है, कैलकुलेशन काफ़ी ह्यूज है, तो इस क्वेश्चन के केस में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोग ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको जो टाइम होगा वो बाउंड होगा 6 मिनट्स तक, 5 to 6 मिनट्स में होना चाहिए। अगर 6 मिनट से ज़्यादा लग रहा है तो इसको प्रैक्टिस कर करके रिड्यूस कीजिए 6 मिनट तक। ठीक है, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहेंगे, यह है क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू है 1/2 + √3, वाई की वैल्यू है 1/2 - √3। तो आपको मान निकालना है, किसका मान निकालना है, 1/1 x + 1 + 1/y + 1। आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। मैं सजेस्ट करूँगा, ये मैंने टेस्ट पेपर से कलेक्ट किया है, मैं सजेस्ट करूँगा इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट 2-3 क्वेश्चन और आपके पास है, तो बने रहे हमारे साथ ताकि हम लोग पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर पाए। एक्स की वैल्यू दी हुई है और एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, बोला x²/y + y²/x, इसे कैलकुलेट करें। इस तरह के एक्सप्रेशन हम लोगों ने पहले देखा है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन सेम नहीं था, तो क्वाइट ऑफ सिमिलर टू फर्स्ट क्वेश्चन ये है। आप चाहें तो उससे भी मिला के इसे बना सकते हैं, लेकिन बनाएं जरूर, सिर्फ देख करना छोड़ दें कि वो बन जाएगा। इस क्वेश्चन में एक खासियत मैं आपको बताऊं, लिखने में थोड़ी गलती हुई है, एक्स की वैल्यू जो दी गई है ना, ये इट सीम्स लाइक कि √5 + 1 है। ठीक है, मतलब 5 + 1 पर स्क्वायर रूट है, नहीं 5 पर स्क्वायर रूट है, प्लस 1 सेपरेट है, नीचे वाले में भी वही है, 5 पर स्क्वायर रूट है, -1 है। ठीक है, वो स्क्वायर रूट जो है वो 1 को कंटेन नहीं करके है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, x - 1/x की वैल्यू निकालनी है, साथ ही साथ x²-x - 1 की वैल्यू को 0 प्रूव करना है। तो इसके अंदर में दो क्वेश्चन है, जनरली एक ही क्वेश्चन पूछा गया था टेस्ट पेपर में, मैंने इसके साथ एक और क्वेश्चन इसे क्रिएट किया है, या तो मैंने किसी टेस्ट पेपर से हेल्प ली है या फिर मैंने खुद से ये क्वेश्चन बनाया था, मुझे अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है। और ये बनाने के पीछे का मेन रीज़न था हमारा, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, एक्स निकालना है, तो आपको इसको फिर स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन है कि ये जो स्क्वायर रूट है वो केवल 5 पर है, 1 और +1 - 1 जो है न्यूमेटर डिनोमिनेटर में वो इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है, स्क्वायर रूट के अंडर नहीं है वो। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, हेल्प लीजिएगा, नहीं हुआ हमसे जरूर पूछिएगा। ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू दी हुई है, सॉरी एक्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, x(2 - √3) = y(2 + √3) = 1, आपको ये प्रूफ करना है। देखिए ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चंस में है, लेकिन देने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप इसे क्या कीजिए, x(2 - √3) = 1 कीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसी तरह से y की वैल्यू निकाल लीजिए और सॉल्व कीजिए। मैंने हिंट क्या दिया, इसे = 1 कीजिए तो x की वैल्यू क्या होगी, चूँकि ओके गिव मी अ सेकेंड, तो आपने क्या किया, x - 2√3 = 1 किया, तो जब आपने = 1 किया है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 - √3। वैसे ही फिर y को करना पड़ेगा, ठीक है, y = इतना हुआ तो y की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 + √3। तो दो बार आपको इक्वेट करके x और y की वैल्यू निकल गई, फिर आप क्वेश्चन को बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बना देंगे, लेकिन उससे पहले नहीं। क्लियर है, तो ये वो 17 क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को दिया। ठीक है, इन 17 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। हिंदी, इंग्लिश और बंगाली सारे मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये सजेशन रेडी किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो शेयर करने के, कैसे वीडियो को शेयर करना है मैं आपको आगे बता देता हूँ, प्लीज़ उसे फॉलो कीजिए। अगर आप लोगों ने हमारे सब्सक्राइब कर लिया, हमारे चैनल को देख लिया और आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, तो अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो के बारे में बताएं, उनको भी इनके इसके बारे में बताने के लिए काइंडली हमारे शेयर के बटन पर क्लिक करें, फिर यहाँ से लिंक को कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद लिंक आपके पास, वो लिंक रेडी है, आप इस तरह से मैसेज में जाके इसे पेस्ट कर सकते हैं और मैसेज के थ्रू किसी को भी भेज सकते हैं। चाहे तो आप लोग वहीं से बाकी लोगों को व्हाट्सएप पे और बाकी सोशल मीडिया पे भी इसे शेयर कर सकते हैं।